लिखो हेडिंग। अगला हेडिंग जो तुम्हारे हाथ से क्लास का बनेगा वो क्या बनेगा? अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है ना, लिखो अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ये तुमको पढ़ना जरूरी है। फैक्टर अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है ना, अभिक्रिया को जब वेग है ना उसकी वेग उसे प्रभावित करते हैं ये लोग, कहाँ से आते हैं ये लोग? ठीक है ना, ऐसे थोड़ा होता है। ठीक है ना भाई, देखो आ जाओ, मिस्टर इंडिया बन जाऊं। हाँ है ना, अब मैं स्मार्ट लग रहा हूं, बता रहा हूं, कोई वो मत लगाना नजर। ठीक है भाई लड़कों, अब ऐसे उतारते नहीं नजर, लगाते हैं ऐसे नजर। अब हमारी बात सुनो, कोई भी रिएक्शन होएगी तो उत्पाद बनेगा। अब मेरी बात सुनना, अब हम तुमसे ना खेल खेलेंगे। देखो मान लो ये हमारे पास एक स्पीसीज ए है और ये एक स्पीसीज बी है, ये मिल करके कर रहे हैं क्या चीज? अभिक्रिया। और क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं ना। तो ये जो ए और बी है इनकी जोरदार टक्कर होगी, पहले क्या होगी? टक्कर। जिसका टक्कर जितना मजबूत होगा उत्पाद उतने मस्त बनेगा। क्या बनेगा? उत्पाद उतने मस्त बनेगा। तुम हमको दिखाई नहीं दे रहे हो इससे। चलो सौ खत्म हो गया। इनके बीच में बहुत जोरदार टक्कर होती है और टक्कर जितना तेज होगा उत्पाद उतनी जल्दी बनेगी, उत्पाद उतनी टूटेगा कब? टक्कर तेज होगी। दो ईट लो, एक ईट ये लिया एक ईट ये लिया, आपस में दे करके मारो, आराम से मारोगे तो टूटेगा ही नहीं। तो दो से चार होंगे? नहीं, दो से चार वो वाला नहीं, परिवार वाला, अपना बता रहा, ईट वाला। हाँ तो वही दो से चार समझ रहे, दूसरा वाला। अरे तो जितना तेज टक्कर मारोगे ना दे करके दूसरे में, उतना ही ज्यादा बनेगा रिएक्शन। रिएक्शन नहीं, ये उत्पाद उतना क्या होगा? जल्दी बनेगा, टक्कर के ऊपर निर्भर करता है। चलो एक बात और बताओ, तुम्हारे सामने मैं तीन केस रखता हूँ, तीन केस। एक गाड़ी इधर से आई, एक गाड़ी इधर से आई, ठीक है ना, एक गाड़ी आई इधर से, एक आई सामने से, इनके बीच में टक्कर हुआ, नुकसान हुआ होगा। टक्कर हुआ तो नुकसान होगा, कितना होगा उसके बाद बात में होगी। एक गाड़ी इधर से आई, एक गाड़ी इधर से आई, ये पहला केस था। दूसरा केस, एक गाड़ी सामने से भी आई, मतलब तीन गाड़ी आई, यहाँ भी टक्कर हुआ, यहाँ भी टक्कर हुआ, तीन गाड़ी एक साथ आई ना, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, तीनों आई गाड़ी और एक साथ टकरा गए, धूम, टक्कर हुआ, नुकसान हुआ। हाँ अब आ जाओ तीसरा केस देखो फटाफट से, मजा आएगा अभी। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, चारों दिशाओं से गाड़ी आई, चौराहा था, ये तीन राह बोलते हैं इसको, जो भी है, यहाँ पे टक्कर हुई है कि नहीं? टक्कर हुआ, चलो ठीक है, टक्कर हुआ, नुकसान होगा। एक क्या हो गया? नुसार लिख दिया, नुकसान हुआ है ना। बताओ तीनों केस में गाड़ी में सबसे ज्यादा नुकसान कहां पर होगा? दूसरे में होगा। सबसे ज्यादा गाड़ी कहां फूटेगी? पहले में। कौन कौन कह रहा है पहले में? तीसरे में बता रहा है, तीसरे में। टक्कर भयंकर कहां पर होगी? चलो बताओ, पहले, दूसरे, तीसरे में। टक्कर भयंकर पहले में होगी है ना, जब आमने सामने आएगा, धूम नहीं हो जाएगी, होगा ना। यहां पर भयंकर टक्कर होगा, तुरंत गाड़ी टूट जाएगा, उसमें जो अंदर बैठा व्यक्ति वो मर भी सकता है। इस वाले में इसकी तुलना में कम होगा, पहले केस की तुलना में दूसरे केस में टक्कर होगा,
लेकिन नुकसान कम होगा। क्यों? एक इधर से, एक उधर से, एक इधर से, जो बल लगेगा तीनों पर बट जाएगा। यहाँ बल दो पर बटेगा, यहाँ बल तीन पर बटेगा, नुकसान कम होगी, है ना। यहाँ बल चार पे बटेगा, नुकसान उससे भी कम होगा। हो सकता है चारों आकर भिड़ गया, खाली हेडलाइट ही टूटा हो। इसमें हो सकता है ओनली खाली जम्पर आगे का टूट गया, हल्का फुल्का, है ना। इसमें तो भैया चकनाचूर हो जाएगा ना। इसे बोलते हैं हेड टू हेड कोलिजन। एक वर्ड आएगा टक्कर हिंदी में, अंग्रेजी में कोलिजन। हिंदी में टक्कर नहीं बोलेंगे अपन लोग, संघटट बोलेंगे, संघटट, संघटट हिंदी का शब्द है। जब पेपर में लिखोगे तो ये लिखा जाएगा संघटट। टक्कर आप लिख सकते हो ना, लेकिन वो अनपढ़ वाली भाषा हो जाएगी। सो बोलते हैं अंग्रेजी में कोलिजन। जितने भी उत्पाद बनते हैं वो कोलिजन का ही परिणाम होता है। जितना जोर से टकराएगा उत्पाद उतनी जल्दी बनेगी, ठीक है ना। तो यहां पर सबसे पहले इसमें एक लाइन लिखो, लिखो अभिक्रिया के दौरान, अभिकर्मों के मध्य, अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के दौरान अभिकर्मकों के मध्य, अभिकर्मकों के मध्य संघटट होता है। संघटट यानी कि टक्कर भी मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है ना। तुम कहीं भूल जाओ, टक्कर होता है। अभी ना इसके ऊपर पूरी सिद्धांत है, क्या संघटट सिद्धांत है एक पूरा, वो आगे चलकर आएगा। यहां मैं कल आपको बता रहा हूं वैसे सिंपली शॉर्ट फॉर्म में। होता है जिसके परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप उत्पाद बनता है, उत्पाद बनता है। जितने भी रिएक्शन होते हैं ना, पहले टक्कर होता है उनके बीच में, वो टक्कर आपको दिखाई नहीं देगा। रिएक्शन हो रहा है कोई दिखता थोड़ी है, सूक्ष्म होता है ना, इसलिए तो टक्कर भी दिखाई नहीं देगा आपको, लेकिन टक्कर हो रहा है ऐसा माना गया वैज्ञानिकों द्वारा। आगे चल के इसके ऊपर पूरा सिद्धांत आएगा, थ्योरी, उसे बोलते हैं कोलिजन, कोलिजन थ्योरी, संघटन सिद्धांत कहते हैं उसे। अब देखो तो टक्कर यानी कि संघटट, संघटट जितना, क्या ले दिया यार, क्या मास्टर बनेगा रे तू, जितना प्रबल होगा, प्रबल होगा उत्पाद बनने की दर, बनने की दर उतना ही तीव्र होगा, मतलब जल्दी बनेगा उत्पाद, तीव्र होगा, ठीक है ना। जितना टक्कर क्या होगा, भयंकर, उत्पाद उतना ही जल्दी बनेगा। इस आधार पर हम लोग कहते हैं कि रिएक्शन को प्रभावित करने वाले कई सारे कारक होते हैं, ठीक है ना। तो इस आधार पर, आधार पर चल तो बता, एक रिएक्शन में टक्कर बहुत तेज हुई और एक में मंदी हुई, है ना। मान लें एक ए था और बी मिलकर सी बना, इसकी टक्कर हुई, सी बन गया, इसकी टक्कर तेज हुई, और एक है हमारे पास ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर क्या बना, डी उत्पाद बना, है ना। तो बताओ किस में वेग तीव्र होगा, वेग मतलब जो आप पीछे पढ़ रहे थे अभिक्रिया वेग, किसकी अधिक होगी, पहले वाले की ना। जहाँ तीन रहेगा ना इसमें सी, जहाँ टक्कर होगी सही, लेकिन उतना इफेक्टिव नहीं होगा, मतलब प्रभावी नहीं होगा, और यहाँ पर इफेक्टिव होगा कोलिजन यानी कि टक्कर, तो जल्दी बनेगा उत्पाद। तो जहाँ टक्कर इफेक्टिव होगा वहाँ पर अभिक्रिया फास्ट होगी, मतलब यहाँ पर वेग कम आएगा, वेग उल्टा बोल दिया, ज़्यादा आएगा, क्या आएगा, ज़्यादा होगा ना वेग, तीव्र बन रहा है गाड़ी ना, तेज चल रही है। देखो इस आधार पर अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं। वेग को प्रभावित करने वाले कारक निम्न हैं, निम्न है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आता है अभिकर्मक की सांद्रता, ठीक है ना।
ठीक है ना, हो गया, पढ़ो ध्यान से, है ना। देखो अब आता है सबसे पहला कारक, वो है सांद्रता। क्या है, दो क्यों लिख जाता है बार बार। अभिक्रियक की सांद्रता, रटोगे तो भूल जाओगे, समझ जाओगे ना, तो भूल गए तो भी याद आ जाता है। इसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। देखो अगर तुमने यहां पर सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिए, अच्छा तुम बताओ उसका ज्यादा अच्छा नंबर आया होगा सीयूईटी में, क्या नाम है उसका, सुमित का कितने में से है वो? चलो मैं देख कर बताऊंगा, अगर तुम्हारे नंबर अच्छे आ गए तो फिर सही है, डी यू में दाखिला हो जाएगा। आ जाओ देखो, अगर रिएक्शन गैसीय नहीं है, गैसे मतलब द्रव में हो या फिर एक्वास्टेट में हो, कहते हैं कि अभिक्रिया की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया की वेग बढ़ती है। ये ध्यान रखना, वेग बढ़ जाती है, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उसका वेग उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है ना। और अगर रिएक्शन गैसीय अवस्था में है गैसीय अभिक्रिया में जिस ओर गैसीय अणु की संख्या अधिक होगी, क्या लिखा, जिस ओर गैसीय अणु की संख्या अधिक होगी उस ओर क्या होगा, रिएक्शन फास्ट अग्रसर होगा, ठीक है ना, अधिक होगी है, जिस ओर गैसीय अणु की संख्या कम होगी, अधिक नहीं, कम होगी अभिक्रिया का वेग उस ओर बढ़ता है। ठीक है ना, तो ये है इसका, ये तुम्हें ध्यान रखना है, सांद्रता को बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, ठीक है ना। अब दूसरा होता है प्रकृति, हाँ ये अभिक्रिया का वेग है ना, अभिक्रिया का वेग, वेग 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 लिखो, उस ओर बढ़ता है, मैं बोला था ना, सही बोला था वैसे, हाँ बोला सही दिया था, तो बोलते हुए चलो ठीक है ना, लिखो। इसके बाद में आता है प्रकृति, ठीक, देखो दूसरा आता है अभिकारकों की प्रकृति, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स क्या मतलब हुआ इसका, तुम बताओ। कुछ तो रिएक्टेंट ऐसे होते हैं जिनके मध्य में बंध कमजोर होता है, जल्दी टूटेंगे, अब जल्दी टूटेंगे तो क्या बनेगा, उत्पाद जल्दी बनेगा ना, किसी का लंबा चलता है, किसी का शॉर्ट टर्म के लिए चलता है, तो वही चीज जहां पे भी चल रहा है, जिनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है वो लंबा चलाते हैं, जिनके बीच में बॉन्डिंग कमजोर होती है तुरंत टूट जाते हैं, फिर शुरू होता है अलग तरह की ऊर्जा का उत्पादन। हाँ और क्या,
देखो भाई, मान लो हमारे पास ए बी है कि नहीं। अब ए बी से क्या बनेगा, ए बनेगा और बी बनेगा, तो ए बी के बीच में क्या होगा, बंद होगा ना। तो इस बंद को तोड़ो, जितना जल्दी टूट जाएगा उतना जल्दी बन जाएगा, है ना। यहाँ पर दो दो लगा देते हैं इधर, दो दो। अब जल्दी टूट गया तो उत्पाद जल्दी बन जाएगा, है कि नहीं। अब अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मतलब बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है उसके बीच में, ए बी के बीच में, जल्दी टूटेगा ही नहीं, तो तोड़ देगा फटाफट से, तो खूब भर दे काम, टूटेगा ही नहीं। और क्या बोलेगा, नहीं मारा बाप ऐसा नहीं है। और कहा तो भाई टूटेगा नहीं फटाफट से, बहुत बढ़िया अंडरस्टैंडिंग है इसके बीच में। अभिकर्मक नहीं टूटेगा तो उत्पाद जल्दी नहीं बनेगा, है ना। प्रकृति मतलब जैसे मान लो एच दो, ये है AgCl, इसमें टेंथ में देखा होगा ये रिएक्शन, नहीं देखा था। सिल्वर क्लोराइड धूप में रखते हैं ना तो सफेद होता है रंग का, ये हल्का हल्का धूसर हो जाता है। तुम्हारा ड्रेस है ना स्कूल का, जैसा पैंट है वैसे रंग में कन्वर्ट हो जाता है, उसे धूसर बोलते हैं, ग्रे कलर बोलते हैं, अंग्रेजी में ग्रे बोलते हैं। एजी को सेल में विश्वास ही नहीं है, हल्का सा धूप में रखो इनके पीछे बंद टूट जाता है। हाँ और क्या, एजी ठोस बन जाता है, बताओ, सीएल अलग गैस बन जाता है, गैस बन के उड़ जाता है। और क्या, इनको विश्वास ही नहीं है खुद पर, टूट गए। अब तुम देखो दूसरा, ये देखना कौन, हाँ इसको ले आता हूँ, जल को, पानी को ले आओ, इसे धूप में रख दो, टूटेगा ही नहीं। H2 गैस आसानी से नहीं बनेगा, आसानी से बनेगा ही नहीं। इनको भाप बन के उड़ना पसंद है धूप में, मरेंगे तो साथ, जाएंगे तो साथ, पानी के रूप में है, भाप बन के उड़ जाते हैं, ढूंढते फिरो। मैंने कल देखा एक गिलास पानी धूप में, शाम को आगे देख रहा हूँ खत्म, पानी कहाँ गया, उड़ गया। आओ तेरी, देखो इसे कहते हैं खतरनाक का गलती। अरे यार वो गलती हो गई मुझसे ना भाई साहब, नहीं टूटेंगे तो बताओ ये जल्दी होगी रिएक्शन या फिर जल्दी होगी, ये वाली है ना। तो प्रकृति पर निर्भर करता है, इसकी प्रकृति कैसी है, ना टूटने वाली, इसकी टूटने वाली, यानी कि इसको तोड़ने के लिए ऊर्जा कम देनी पड़ेगी। हल्का धूप में रखा टूट गया, इसको कम से कम हमें विद्युत धारा देनी पड़ेगी। टेंथ में पढ़ा होगा तुमने विद्युत अपघटन, पढ़ा था उसमें O2 गैस बन रहा था, H2 गैस बन रहा था। अभी तो पढ़ाया था, देखो 12वीं क्लास में भी विद्युत अपघटन, नहीं 12वीं क्लास में तुमको पढ़ाया था भी विद्युत अपघटन सेल में, कि H2 गैस O2 गैस में टूट जाते हैं H2O, उसमें DC वोल्टेज देनी पड़ती है 12 वोल्ट की, है ना, तब तोड़ता है। कितना देख रहे हो, वहां आगे नहीं बोल रहा मैं, वरना रिश्ता खराब हो जाएगा इन सबका। मैं किसी का रिश्ता खराब नहीं करना चाहता भाई, ठीक है ना। देखो केमिस्ट्री यार सच में रियल लाइफ जैसे है, ये प्लस वाले होते हैं, ये माइनस वाले होते हैं, साले अट्रैक्शन करते रहते हैं, ठीक है ना, इनमें प्लस माइनस होता है, मस्त है ये। हाँ वो कह रहा है 2-, ये 2-, ये 1+, है ना। देखो तो हम यहाँ पर लिखेंगे अभिकारकों, समझ में तो आ गया होगा, है ना, बना के लिख सकते हो ना आराम से, कि अभिकारक के मध्य में जो आबंध होते हैं, कुछ में प्रबल होते हैं, कुछ में दुर्बल होते हैं, तो जिनका आबंध प्रबल है उसको तोड़ने के लिए अधिक आबंध ऊर्जा लगेगी, तो अभिक्रिया स्लो होगा। और ऐसा अभिकर्मक जिनके बीच में क्या है, आबंध कमजोर है, उनको तोड़ने के लिए कम ऊर्जा पड़ेगी देनी, तो जल्दी हो जाएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के वेग अभिकारक की प्रकृति पर निर्भर करता है, ठीक है ना। मजा नहीं आया, मस्त टॉपिक है तो मजा ही आएगा। और का अच्छे से पढ़ना चाहिए हमेशा। अभिकारकों, ये अभिकारकों लिखा है मैंने, इतनी बड़ी गलती इस उम्र में, सही कह रहे हो। अभिकारकों, अभिकारकों के मध्य आबंध, आबंध की प्रकृति यदि प्रबल है, यदि आबंध के मध्य आबंध, आबंध लिखो, यदि प्रबल है, प्रबल है तो आबंध को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी ना, अधिक आबंध ऊर्जा, आबंध ऊर्जा
की आवश्यकता होगी, आवश्यकता होगी। और यदि आबंध, ये कैसा लिख दिया आबंध, आबंध कैसा है, दुर्बल है, कैसा है, दुर्बल है, तो कम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अर्थात अभिक्रिया, अभिक्रिया का वेग तीव्र होगा, है कि नहीं। अब यहां जो मैंने भाषा लिखा है ना, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझ में आ गया ना, तो तुम इसको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना भैया कि जो बंद है वो क्या है, स्ट्रांग है, जल्दी टूटेगा नहीं, ठीक है ना। ये भाषा कभी रटा नहीं जाता है, कॉन्सेप्ट को समझा जाता है कि कैसे अभिक्रिया फास्ट होगी, स्लो होगी, है ना। एग्जाम्पल आने करना, ये लिख देना इसका क्या होगी, मंद होगी, है ना, मंद, और ये क्या होगी, तीव्र, ठीक है ना, फास्ट होता है रिएक्शन उसका, तो प्रकृति पर भी करता निर्भर है ना। और इसलिए क्या होता है, हर एक रिएक्शन का वेग अलग अलग होता है। छाप लो कसम लाल के लेके ना। अब आता है तापमान, तापमान के बारे में बताता हूं मैं भी। अगला इसमें है तापमान फैक्टर, ठीक है भाई, चप गया सब गए। चलो देखो, अब है तापमान, तीसरा तापमान। कुछ रिएक्शन जो होता है ना रूम टेम्परेचर पे आराम से हो जाता है, कुछ टेम्परेचर नहीं होता रूम टेम्परेचर पे। फॉर एग्जाम्पल एल्यूमिनियम, इसे ठंडे पानी में डाल दो कुछ भी नहीं होगा, गर्म पानी में डाल दो रिएक्शन कर जाता है, ऑक्साइड बनाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस छोड़ता है। गर्म पानी में डालोगे तो, और कुछ रिएक्शन ऐसे होते हैं जो गर्म पानी में भी नहीं करते रिएक्शन, उसे भाप चाहिए। चल बता, यहाँ से एक बात याद आ गई, तो मैं चेक करता हूँ आता है नहीं आता है। एक गर्म पानी है, एक क्या है, हौलता हुआ पानी, उबल रहा है बहुत तेज, लेकिन पानी है, ठीक है ना। और एक यहाँ से पानी उबल रहा है, तो यहाँ से भाप भी निकल रहा होगा। इस लड़की ने हाथ डाल दिया पानी में और उसने हाथ डाल दिया भाप में, किसका हाथ जलेगा ज़्यादा, पानी वाले का, काहे, नहीं गलत बात, पानी वाले का हाथ कम जलेगा। हाँ, पानी में हाथ डालेगा जलेगा तो सही, क्षति कम पहुंचेगा स्किन को, और जो भाप में हाथ डालेगा वो जलेगा, क्षति भी ज्यादा होगी, घाव ज्यादा अंदर तक बनेगा। अभी रोटी बनाया है, जब रोटी फुलाते हैं ना हाथ को भी फूल जाता है, भाप बाहर निकलता है और जल जाता है, उतना तो है ना। अब पूछोगे क्यों, क्योंकि जो जल है उसकी ऊर्जा भाप की तुलना में कम है, भाप की तुलना में इसमें जो गुप्त उष्मा है ना इसमें ज्यादा है भाप के अंदर। वो भाप क्यों है, वो भाप तभी तो है उसमें उष्मा ज्यादा है, इसमें उष्मा कम है, तभी तो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में वो इसीलिए से उसके पास कम ऊर्जा है। बताओ गैस की ऊर्जा अधिक होती है कि लिक्विड की, द्रव की, गैस की, तो गैस में ऊर्जा नहीं है, भागता फिर रहे सारे पार्टिकल इसके, तो इसमें ज्यादा क्षति पहुंचता है इसमें कम। नाइन्थ क्लास का क्वेश्चन था ये, तुमसे मैंने पूछ लिया, फिर भी नाइन्थ क्लास में पढ़ाता हूँ बच्चों को, पहले ही चैप्टर में या दूसरे में आता है, हाँ दूसरे में, तुमसे इसलिए पूछा कि ना पता हो तो पता चल जाएगा। यहाँ पर तुमको मैंने पूछा, आंसर नहीं दिया, कोई बात नहीं क्या, लेकिन बाहर कोई पूछेगा तुम आंसर नहीं दे पाओगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। इसलिए ना बीच बीच में तुमको हम कॉन्सेप्ट समझाते रहते हैं, नई नई चीजें, है ना, समझते नहीं है। देखो ऐसा है, तुमने सही जगह ट्यूशन नहीं पढ़ा होगा ना, पढ़ा होगा ठीक जगह नहीं पढ़ा होगा, तो जब हम पढ़ा, जब हम जब नाइन्थ क्लास से पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों को साइंस, तो सब पढ़ाते हैं। अब लिखो तापमान, तीसरा क्या आता है, अब भाई तीसरा कारक है तापमान। तापमान को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, ल भैया टेम्परेचर, टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो सांद्रता, ओ सॉरी, तो वेग बढ़ेगा, ये पक्की बात है। कुछ रिएक्शन ठंडे पानी में होते हैं, जैसे सोडियम को लाके डाल दो, सोडियम को लाके डाल दो ठंडे पानी में, भाई सब वो ऐसे कूदता है जैसे किसी के वो लगा दिया जलती हुई लकड़ी, बहुत तेज जलता है, नहीं देखा तुमने कभी आज तक, कभी दिखा देंगे, मेरे पास रखा है सोडियम, बहुत तेज जलता है, फटता भी है,
हाँ तेल मिला जाता है सोडियम, फटता भी है फिर, और वही लाकर ठंडे पानी में डाल दो क्या चीज एल्यूमिनियम, ऐसा आंधा ऐसे बैठा रहता है, हालांकि कुछ भी नहीं करता है ना। हाँ मतलब उसे कोई दिक्कत है, वो कह रहा है पानी में हो तो क्या हुआ, यहाँ भी रह जाऊंगा, ठंडा पड़ जाता है और वो गर्म हो गया उछलने लगता है। देख रहे प्रकृति, ताप हर एक 10 डिग्री तापमान को बढ़ाने पर अभी क्रिया वेग दुगुना हो जाता है, ध्यान रखना इस बात का। कितना? तो पहले तो हम लोग यहां पर लिखेंगे तापमान बढ़ाने पर, क्या चीज, तापमान बढ़ाने पर क्या होता है, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया वेग में क्या होती है, वृद्धि होती है, वृद्धि होती है। पहली बात तो ये, दूसरी बात प्रत्येक 10 डिग्री, प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस ताप में वृद्धि करने पर, वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग दुगना हो जाता है। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, पेपर में क्वेश्चन पूछता है एक नंबर का मल्टीपल चॉइस में। प्रत्येक 10 डिग्री ताप में वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग दुगना होता है, इसको हम प्रूफ भी करेंगे आगे चल के, ठीक है ना, इसी चैप्टर में। वृद्धि करने पर अभिक्रिया वेग लगभग दुगना हो जाता है, लगभग लगभग लग जाओ लेके भाग जा, लगभग दो गुना हो जाता है। चलो ठीक है ना, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, तापमान का खेल खत्म। अब उत्प्रेरक, नाम सुना होगा, नाम नहीं सुना, अच्छा पता नहीं क्या होता है, मैंने अपने कोचिंग का नाम इसी के ऊपर तो रखा है, उत्प्रेरक के नाम पे रखा है, लेकिन अंग्रेजी में बोलते हैं कैटलिस्ट, और मैंने नाम रखा है कैटलाइजर, रिएक्शन को कैटलाइज करता है यानी उसको उत्प्रेरित करता है। कभी सुना है, जैसे तुम्हारा मत, जैसे मान लो दो व्यक्ति आपस में लड़ रहे हैं, काम सुनना क्या होता है उत्प्रेरक का, दो व्यक्ति लड़ रहा है, एक ये लड़ रहा है ये खड़ा है, एक ये खड़ा है ना, ये लड़ रहा है आपस में, अब अच्छा इनके बीच में थोड़ा बहुत अनबन हो गई अच्छा बना है ना मैंने, इनके बीच में हल्का सा अनबन हो गया है कि नहीं, अरे ये गली की मोहल्ले की वही औरत है, ये ऐसे कर रहे हैं, ये लड़ रहे हैं आपस में है ना, अब कुछ ऐसे होते हैं मोहल्ले में जो मजे लेने वाले होते हैं ना, वो देख रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि तेज हो जाए इनके बीच में, नहीं सोच रहे होते मोहन, ये आपस में लड़ रहे हैं, बाकी जो सामने वाला है वो सोच रहा है और भिड़े और भिड़े, अब इनके बीच में शांत होने वाला है, जो सोच रहा है कि इसके बीच में और भिड़े, वो देख रहा है यार मामला बिगड़ गया, हो नहीं रहा, वो आकर क्या बोलेगा इसको, जब घर में आ जाएगी इधर, तेरे वाले को ऐसे ऐसे कहा था पता थी ये, जब तू ना थी ना उसने ऐसा कहा था, ओ भाई साहब इसके अंदर आग लग गई, ए बाहर निकल लड़ना शुरू। वही जो इनके बीच में लड़ाई हुई, क्या उसने भाग लिया, उसने केवल आग लगाया, और इनके बीच में हुई तगड़ी, सर्वर फूटा बन गया नया उत्पाद, है ना, यही काम होता है अभी उसका उत्प्रेरक का। उत्प्रेरक क्या करता है पता है, खुद रिएक्शन में भाग नहीं लेता, करवाने में हेल्प करता है, तेज करता है तेज। अब देखो कैसे, ऐसे तुम्हें मैं एग्जांपल दे रहा हूं, ये हाइड्रोजन गैस, कौन सा गैस है ये, अब एग्जांपल लो केमिस्ट्री में वही वाला एग्जांपल, ये O2 गैस है, इसको ये पसंद है, इसको ये पसंद है, लेकिन कुछ हो नहीं पा रहा है अच्छा चलो तुम बताओ, तुम जहां रहते हो आसपास, अभी हम मैप पढ़ रहे हैं, यहाँ पर O2 गैस भी है नहीं है, H2 गैस भी है, कह पर पानी है नहीं, तुम सब जानते हो ना H2 गैस O2 गैस आपस में करके रिएक्शन पानी बनाते हैं, पानी द्रव बनाते हैं ना, लेकिन देखो इनके बीच में होना चाहिए रिएक्शन जब यहाँ पर है तो, और पानी बनना चाहिए, हम ऐसे हाथ मारते हाथ गीला हो जाता है कि नहीं, मेरे को नहाना होता साइकिल पे बैठता कपड़े उतार के और चल देता, गीले हो जाते, लेकिन नहीं पानी नहीं बनता, पानी इनके मध्य यानी कि H2 के बीच में जो बंद है और जो O2 के जो O के बीच में बंद है वो बंद स्ट्रांग है, जब तक ये बंद टूटेंगे नहीं ओल्ड वाला तब तक इनके बीच में होगा नहीं रिएक्शन, है ना,
तो इनको इनके साथ जाने के लिए पहले इनका तुड़वाना पड़ता है जो पहले से ही है, तुड़वाओ। अब ये ऐसे इनके बंधन टूटेंगे नहीं तो तोड़ेंगे कहां से? इसके ऊपर हम डालते हैं एक उत्प्रेरक मोलिब्डेनम। मोलिब्डेनम एक धातु है, ये कार्य करता है किसका? उत्पाद का, किसका? अब पता है ना, एक चैप्टर है हमारे उसमें था पहले सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन, इस साल कट गया। ये उत्प्रेरक कैसे कहां कहां का उत्प्रेरक? अच्छा मैंने लिखा नहीं था, उत्प्रेरक ये कैसे काम करता है इसका पूरा कॉन्सेप्ट है। पांचवा चैप्टर था पहले, उसमें खोल के देखना, मजा आएगा पढ़ने में। भाई साहब ये कहानी ना बड़ी मस्त मस्त होती है, मैं क्या बताऊं, मैं तो बना बना कहानी थक गया, कहानी हर दिन नया बन जाता है। अब इनके बीच पहले तुड़वाओ, इसको लाया, हाँ ये क्या करता है इसके साथ दोस्ती कर लेता, इसके साथ भी अब ये दोस्ती कर लेगा, मैंने अपनी सतह जो है इसको भी देता रहने के लिए और इसको भी दी, इसको भी देगा। तो ये क्या होगा, जा करके इसके सरफेस पे बैठ जाएगा और ये भी बैठ जाएगा। अब काम क्या है, इनके बीच में जुड़वाना आपस में, और जो पहले से हमको तुड़वाना, बॉन्ड की बात कर रहा हूं मैं, आपस टूट जाएगा। तो जैसे बैठ जाएगा इसके ऊपर, तो ये क्या करता है, इसका बंध तोड़ देता है, इसका बंध। अब जैसे तोड़ दिया ना एच का, एच क्या हो गया, अलग हो गया, ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन और ओ ये रहा इसका इलेक्ट्रॉन, दो। जैसे ही टूटा, ये तो बैठे था चक्कर में, जैसे ही टूटा ना बस जुड़ जाओ फटाफट से, है ना, तुरंत रिएक्शन कर लेते हैं। अब ये देखता है कि जैसे इनके बीच में बंध बना, ये कहता है मैं चला, काम खत्म हो गया, उत्पाद बनेगा मोलिब्डेनम, दाब लगाएंगे, प्रेशर P4, उच्च दाब कम ताप, और ये उत्प्रेरक चाहिए होता है तब पानी बनता है, तब पानी ऐसे पानी बनता है। ये आपस में मुंह देखते रहेंगे, ये उत्प्रेरक बहुत से स्थान पर एफ ही यूज भी करते हैं, क्या एफ ही क्या होता है, आयरन, इसका ना छोटा छोटा चूरा होता है बरूदा, क्या होता है उसका यूज भी करते हैं एज ए उत्प्रेरक। ये पढ़ोगे तुम पी ब्लॉक में, कहाँ वहां पढ़ा तुम लोगों ने, उसमें पढ़ा था 11वीं में, हाइड्रोजन में नहीं पढ़ा था, हाइड्रोजन में वहां पे हम लोग पढ़ते हैं। तो इनके बीच में कुछ हो नहीं रहा होता है, अलग से डालते हैं उत्प्रेरक, क्या करते देखो, उत्पाद में खुद है क्या ये जो बना उत्पाद, उसमें ये है एमओ कहीं नहीं है ना, क्यों ये सॉरी ये अस्थायी रूप से केवल क्या करता है, मदद करता है करवाने में अभिक्रिया, जो नहीं हो रहा होता मतलब वेग बिल्कुल शून्य है उसे करवाने का काम करता है, ठीक है ना। तो इसी नाम पर रखा था मैंने अपने कोचिंग का नाम कैटलाइजर, इसलिए क्योंकि हम दो खुद तो एग्जाम में बैठेंगे नहीं, तुमको सिखा पढ़ा देंगे अच्छे से, तुम एग्जाम में जाकर बैठोगे है ना, तो हम खुद भाग नहीं लेंगे एग्जाम में डायरेक्ट, लेकिन हम तुमसे दिलवाएंगे एग्जाम तुम्हें तैयार करके। तो हम क्या कर रहे हैं, तुम्हें को उत्प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा भी होता है, कुछ ऐसे भी होता है मोहल्ले में जो दो लोगों के बीच अगर हो रहा है झगड़ा तो शांत करवाने की कोशिश करते हैं, यानी रिएक्शन का जो वेग है ना उसे कम करने वाला भी होता है, ये कौन है तीव्र करने वाला, तो जो कम करने वाला होता है वो भी होता है, वो हमारे कोर्स में भाई नहीं पढ़ेंगे नहीं है ना, उसे बोलते हैं अंग्रेजी में पॉइजन और हिंदी में पता क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं, क्या बोलते हैं, जो कम करता है, ठीक है ना, वो बात की बात है। तो ये एग्जांपल लाना आप मत लिखना उसमें, इसमें लिखो कैटलिस्ट, कैटलिस्ट इसे हम लोग बोलते हैं उत्प्रेरक, लिखो उत्प्रेरक, उत्प्रेरक अभिक्रिया में, अभिक्रिया में स्थायी रूप से भाग लिए बिना, भाग लिए बिना अभिक्रिया की वेग को, अभिक्रिया की वेग को वेग में वृद्धि करता है, वृद्धि करता है, समझ में आ गया तुमको, बहुत मस्त है ये उत्प्रेरक, बिल्कुल दोस्त जैसा होता है, ठीक है भाई। इसमें तो 9-9 है कारक, ठीक है ना, कितने हो गए आज उत्प्रेरक, 3 हो गए 5 हो गए, 4 हो गए, 4 हो गए ना, ठीक है 4 हो गए, ये 4 तुम्हारा इंपॉर्टेंट था, ठीक है ना। तो 4 हमारे पास क्या है, ये अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना,
बाकी तो पीएच भी होता है, क्या होता है पीएच? पीएच पता किसको क्या होता है? बताऊंगा कभी, ठीक है, फुर्सत में। पीएच क्या होता है? अमल छाल लवणी पढ़ा, तो वो चैप्टर वहाँ पढ़ा, ठीक है ना? चलो ठीक है, तो अगली क्लास में लोग पढ़ेंगे ना नया टॉपिक, अभी क्रिया की कोटि क्या होती है, क्या? हाँ, कोटि पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? मस्त टॉपिक है, पेपर में पक्का आएगा 100%। थैंक यू।